राव विवादित बयान के लिए हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति ऐसा बयान देता है, संजय राउत की जमानत रद्द कर जेल भेजा जाए। संजय राउत चोरों की बात कर रहे हैं, यानी जो सदस्य सदन में बैठे हैं वो भी चोर है क्या? ऐसा सवाल भी पत्रकारों से संवाद साधते हुए संजय शिरसाट द्वारा उपस्थित किया गया। संजय राउत ने जो आज बयान दिया है कि विधानसभा ये चोरों का अड्डा है या तो वो सब चोर है, इसका मतलब यही है कि गए 2.5 साल जो लोग हमारा नेतृत्व करते, जिनके नेतृत्व में हम ये सरकार चला रहे थे, उनको भी उन्होंने चोर कहा है। पार्टी के नेता को चोर कहने वाला ये पार्टी का पहला बंदा ऐसा है जो पार्टी के भी किसी आदमी की मानता नहीं है, और उनके जो 15 सदस्य वो जो मानते हैं आज, वो जो सदन में बैठे वो भी शायद चोर होंगे, उसमें आदित्य ठाकरे जी भी आते हैं, तो आदित्य ठाकरे ने इनका निषेध करना चाहिए था। लेकिन ऐसे बयानबाजी करने का उसको एक शौक है, मैंने पहले भी बताया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसको पागलों के दवाखाने में जाके उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ऐसे बयानबाजी करने वालों को जल्दी, उसे पता नहीं है कि वो पत्राचाल के केस में अभी बेल पे छूटा है और हाईकोर्ट में उसकी अभी केस चल रही है, और उसका शायद बेल रिजेक्ट होने के लिए हम भी कोशिश करेंगे अभी कि ऐसे लोगों को जेल, उसकी जगह जेल में ही है और उसको जेल में ही रखना चाहिए। संजय राउत हाँ नियमित वादग्रस्त वक्तव्य करण्यासाठी फेमस आहे। आज जे त्यांनी विधान केलेले कदाचित त्याला त्याची कल्पना नसेल की गेली 2.5 वर्ष याच विधिमंडळाचं नेतृत्व पक्षाचे नेते माननीय उद्धव ठाकरे साहेब करत होते, आणि एक सर्वांना जर चोर म्हणत असेल तर याचा अर्थ त्यांनी उद्धव साहेबाला डायरेक्ट चोर म्हणलेलं आहे असं माझं मत आहे। आणि आताही विधानसभेमध्ये जे काही ते म्हणतात ते 15 सदस्य जे बसलेले आहेत त्यापैकी आदित्य ठाकरे साहेब सुद्धा त्यात समावेश आहे, आणि मग आदित्य ठाकरेला चोर म्हणणारा याचा अर्थ असा होतो की याच्या डोक्यावर झालेला हा परिणाम आहे। आणि आम्ही वारंवार बोलत आलेलो आहे की हा या मानसिक संतुलन बिघडलेला व्यक्ती असे वादग्रस्त वक्तव्य करत असतो, आणि म्हणून याला याचा उपचाराची गरज आहे। त्याची जी काही आता बेल झालेली आहे, जी बेल पत्राचाळीमध्ये ज्यांनी ती चोरी केलेली आहे त्या चोराची बेल आता झालेली आहे, परंतु त्याच्या विरोधात सुद्धा ईडी हायकोर्टात गेलेली आहे। आम्ही सुद्धा असा प्रयत्न करू, आम्ही कोर्टाला विनंती करायचा प्रयत्न करणार आहोत, कारण की असे वक्तव्य देऊन दरवेळेला महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न किंवा गोंधळ निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न करतो हा समाजाला घातक आहे, म्हणून त्याच्यावर सुद्धा आता त्याची बेल रद्द होऊन त्याची रवानगी कोठडीत केली पाहिजे अशी आमची सुद्धा मागणी राहणार आहे।